So we are going to study the chapter 2 of the civics book, Diversity and Discrimination, Vividhita evam Bhedbhav. Students, in the previous chapter, we have discussed the meaning of diversity. What is diversity? So sometimes people who are different from others are teased, laughed, and at all not included in a certain activity or group. We feel hurt, angry, helpless, or sad when friends or others treat us in such ways. So in this chapter, we will try to explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस पिक्चर. गर्ल्स, बॉयज, सम आर स्पेशल चाइल्ड, सम आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, सम द ड्रेसिंग ऑफ सम पीपल आर लुकिंग वेरी फैंटास्टिक एंड सम हैव अ पुअर ड्रेसिंग. सो हियर यू कैन सी द डाइवर्सिटीज ऑफ पीपल. If you talk about differences which are prevailing in our country, so there are many things that make us what we are, how we live. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We पूरे संसार की अगर हम बात करते हैं तो संसार में 8 धर्म माने जाते हैं विभिन्न प्रकार के, और भारत में इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं. यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. सो मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पीक इन इंडिया, एंड यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं. मोर देन 100 डांस फॉर्म्स आर इन इंडिया. सो पीपल डिफर इन लैंग्वेज, फूड, टॉक, ड्रेस, एटीट्यूड, प्ले, ओपिनियन, सेलिब्रेशंस एंड इन मैनी मूवीज. So diversity is not always celebrated because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. तो हमेशा विविधता जो है खुश होने का कारण नहीं बनती है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं या फिर हमारी तरह सोचते हैं. कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे थोड़े से अलग होते हैं, तो हमें वो बहुत अजीब और अपरिचित से लगने लगते हैं. कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं. लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक ख़ास तरीके की राय, एक ओपिनियन बना लेते हैं कि ये अगर हमारे जैसा नहीं है तो ये शायद ऐसा हो, ये शायद वैसा हो. तो कुछ इस तरीके की मीनिंग्स या फिर परसेप्शंस जो हैं लोगों के मन में बन जाते हैं. प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर. तो पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है. और ज़्यादातर ये राय जो है वो नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है. जैसे कि लोगों को आलसी या कंजूस कहना, नॉट रिस्पेक्टिंग अदर हु थिंक्स डिफरेंटली, और इस तरीके से सोचना कि जो लोग हमारे जैसा नहीं सोचते हैं हम उनकी इज्जत नहीं कर पाते हैं, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं. एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम सोचें कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड नॉट अदर्स, तब हमको कैसा लगेगा, वी आर जजिंग अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली. इट मीन्स हम दूसरी भाषाओं को इन्फीरियर कह रहे हैं, उनको हम नकारात्मक रूप से सोच रहे हैं. सो पीपल कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स. लोग इस तरीके के पूर्वाग्रह बहुत सारी बातों को बना करके लेते हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास, कलर ऑफ देयर स्किन फ्रॉम दैट रीजन, द रीजन फ्रॉम देयर दे कम फ्रॉम, एक्सेंट जिस तरीके की वो भाषा बोलते हैं, एंड क्लोथ जिस तरीके की वो कपड़े पहनते हैं. इनको बेस बना करके हम लोगों के बारे में पहले से ही कुछ अपने दिमाग में विचार बना लेते हैं. और पहले से ही किसी के बारे में विचार बना लेना, जो नेगेटिव विचार होते हैं, हम उसे पूर्वाग्रह या फिर प्रेजुडाइसेस कहते हैं. क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स,
fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing. जब हम किसी के बारे में ये सोच लेते हैं कि ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा नहीं कर सकता. जैसे हम सिंपली बात कर सकते हैं कि हमारे सोसाइटी की बात करते हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से हम लोग अवेयर भी हैं. हम कहते हैं एक लड़का या लड़की, अगर लड़का है तो क्यों रो रहा है भाई तुम, उसको हम बोलेंगे लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है. क्यों लड़का क्यों नहीं रो सकता, क्या उसकी फीलिंग्स नहीं होती हैं, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लड़कियों की तरह रो रहा है. तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं. When people say belong to a country, religion, race, economic background are stingy, lazy, criminal and dumb. Using stereotypes, for example, gender difference, boys do not cry, लड़के नहीं रो सकते, ये sign of weakness है, ये कमज़ोरी की निशानी है, teach themselves not to cry, grown boys cries, tease him or laugh at him. अगर इस तरीके से होता है, बड़े होते हुए लड़के ग्रोन अप बॉयज़ अगर होते हैं तो उनको चिढ़ाया जाता है, उनके ऊपर हंसा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, क्या ये लड़कियों की तरह रोने में लगा हुआ है. एंड समटाइम्स वी से वी मेक सम स्टीरियोटाइप्स टुवर्ड्स डिसेबल पीपल. सो पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग फॉर अ डिसेबल चाइल्ड. डिसेबल चाइल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. डिसेबल चाइल्ड का मतलब होता है हम ऐसे बच्चों के लिए कह सकते हैं कि शायद फिजिकली उनको या तो बाय बर्थ या फिर एक्सीडेंट से वो डिसेबल हो गए हैं, है ना, उनका कोई बॉडी पार्ट ऐसा हो गया है कि जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. अब हम उन्हें डिसेबल चाइल्ड ना कहकर स्पेशल चाइल्ड कहते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं कुछ फिगर्स आपके पास बने हुए हैं. द चिल्ड्रन यू सी इन दिस इलस्ट्रेशंस हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड and this term has been changed and now the term used is children with special needs. अब हम इन्हें disabled child न कहकर children with special needs कहते हैं. तो इस शब्द को बदल कर, विकलांग शब्द को बदल कर के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो है खास ज़रूरतों वाले बच्चे. यहाँ पर हमारी पहली नज़र में क्या होता है, हम इस तरह के बच्चों को या लोगों को देखकर सोचते हैं ये वाला काम नहीं कर पाता होगा, ये ऐसा नहीं कर पाता होगा. तो इनको देख करके हमें इन्हें जज नहीं करना चाहिए. लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. जैसे दैट बॉय जो ये बैसाखी के साथ है, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ. तो ये डिप्रेस हो जाते हैं, तो इनके साथ इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए. या कहा जाता है कि क्या कहते हैं उसे, तुम दूसरों से कितना अलग दिखते हो, यू लुक सो डिफरेंट. या अगर कोई डिसेबल है तो क्या उसका दिमाग सही है, इज अ माइंड ओके, क्यों नहीं होगा उसका माइंड ओके, उसका माइंड बहुत शार्प हो सकता है. अगर उसकी टांगे काम नहीं करती तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिमाग भी काम नहीं करता है. तो इस तरीके की थिंकिंग हमें अपने दिमाग में नहीं लेकर के कभी भी आनी चाहिए. इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव. सो डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स. कब होता है भेदभाव, जब लोग प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप से ग्रसित होते हैं, पहले से ही किसी के बारे में कोई भी चीज़ दिमाग में कर रख लेते हैं कि अगर ये ऐसा है तो उसके साथ ऐसा ही होगा, ऐसा हम क्यों मान लेते हैं. तो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं. Discrimination takes place because of several reasons such as religion, region, language, customs or practices, poor, etc. तो जो भेदभाव है कई आधारों पर लोग करते हैं, उनके धर्म के आधार पर, जिस क्षेत्र से आ रहे हैं उस आधार पर करते हैं. इसके अलावा उनके रीति रिवाज, उनकी भाषा, उनकी अगर वो अमीर या गरीब हैं, तो इस ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लोग भेदभाव करते हैं. On being discriminated against, तो जिनके साथ भेदभाव होता है उन्हें बहुत बुरा लगता है. People are engaged in different kinds of work. लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, कुछ कामों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कुछ कामों को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है. जिन कामों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जैसे टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, और जिनको लेस वैल्यू दी जाती है, घरों में साफ सफाई, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, कचरा वगैरह उठाना. तो लोग काम के आधार पर भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और गलत तरीके कई बार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे वो लोग हर्ट होते हैं जिनके लिए ये किया जाता है. इसके अलावा डर्टी और इम्प्योर कास्ट सिस्टम, जो हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, दैट इज़ रियली वेरी डर्टी. अपर कास्ट, लोअर कास्ट में लोगों को बांटा गया है, अपर कास्ट के लोगों को
सुपीरियर समझा जाता है और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें अनवर्थी एंड अनटचेबल्स के रूप में माना जाता है। स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स के बारे में भी कुछ इस तरीके की रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। तो इनके बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि वो लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इसलिए उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। जबकि क्या कहते हैं, सर्वे ये बताता है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर। सो इफ इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच। देर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हैव टीचर्स फ्री स्कूल्स इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ टीचर्स आर विमेन। Where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend school. So therefore, poverty is the main cause, not religion. Religion is not the main cause of not sending the school, but the poverty is the main cause for non-attendance of Muslim girls in the school. ऑन बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जब हमारे साथ किस तरह का भेदभाव होता है हमें बहुत बुरा लगता है। सर्टेन काइंड ऑफ वर्क्स आर वैल्यूड मोर देन अदर्स, दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। सो इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वॉज ईदर अबव और बिलो द अदर। मतलब एक सीढ़ी की तरह है कि कोई कास्ट अपर कास्ट ऊपर की तरफ है, कोई नीचे की तरफ है। So caste rules were set which did not allow the so-called untouchables, कुछ caste को untouchables कहा जाता है कि उनको नहीं छुआ जाए, उनको छूने से हम खराब हो जाएंगे, to take on work other than what they were meant to do. आप यहाँ देख रहे हैं एक क्लासरूम है, being made to sit separately in the classroom because of one's background is a form of discrimination. देख रहे हैं कुछ बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और कुछ बच्चों को क्लास के बाहर की तरफ बिठाया गया है कि शायद वो लोअर कास्ट या फिर अनटचेबल कास्ट के हैं तो उनको क्लासरूम के बाहर बिठाया जाए। अगर इस तरह के प्रैक्टिसेस होती हैं तो जिनके साथ होता है डिस्क्रिमिनेशन उन्हें बहुत बुरा लगता है और ये बहुत गलत बात है। यस, दलित इज़ द टर्म दैट पीपल belonging to so-called lower caste uses to address themselves. दलित वो शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है, who have been broken. So this word according to Dalit shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. मगर सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट के वर्ग में रखती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा या पढ़ा होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है एंड ही इज़ आल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। इन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, ये खुद महार कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीनें नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम लॉयर। He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको एक जैसा देखे। So later in life he converted to Buddhism in his search for the religion that treated all members equally. उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ऐसा ना हो कि बस कुछ ही लोगों के रिस्पेक्ट किया जाए।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी बुक में अपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं जिसमें उनके साथ अनटचेबल कास्ट होने के कारण बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है उनके और उनके कज़न्स और उनके ब्रदर्स को लेकर के, वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तब का उनका एक्सपीरियंस है व्हेन ही वाज ऑफ ओनली 9 ईयर्स ओल्ड, 1901 की बात है। वो महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने जा रहे थे। तो आफ्टर स्कूल दे वर डिसाइडेड टू गो दैट प्लेस वेयर हिज फादर वाज वर्किंग, और इन्होंने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से ये कोरेगांव आ गए। जब ये ट्रेन इनकी आई तो थोड़ा थोड़ी शाम हो चुकी थी और ये स्कूल से लौटे थे और इनके फादर एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो इनका ड्रेसिंग भी बहुत अच्छा था। स्कूल से आ रहे थे तो दिखने में भी सभी बच्चे अच्छे लग रहे थे। तो जब ये लोग यहाँ आए तो स्टेशन मास्टर भी इनके पास आया, इनसे टिकट मांगा, उन्होंने बताया कि तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पर। तो उन्होंने बच्चों ने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम अपने फादर का या फिर उनके सर्वेंट का वेट कर रहे हैं कि वो आए और हमें स्टेशन पर लें। तो स्टेशन मास्टर उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ, उसने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर बहुत सारे बुलक कार्ट्स भी खड़े हुए थे। तो उसने कहा कि मैं बुलक कार्ट से पहुँचा दूँ, पर इन्होंने कहा नहीं अभी तो हमारे फादर या कोई सर्वेंट आ जाएगा, हम चले जाएंगे उसके साथ में। लेकिन ना तो उनके फादर उनको लेने आए ना कोई सर्वेंट आया। अब वो बच्चे जो है डरने लगे क्योंकि धीरे धीरे रात हो रही थी और कोई एज भी उनकी नहीं थी, फिर 8-9 साल के बच्चे हैं तो क्या छोटे बच्चे हैं। तो धीरे धीरे जब अंधेरा होने लगा तो वो लोग डरने लगे। स्टेशन मास्टर फिर उनके पास आया कि शायद तुम्हारे यहाँ से कोई आया नहीं है, फिर उनसे बातचीत करने लगा। और बात करते करते स्टेशन मास्टर को पता चला कि दीज चिल्ड्रन वर बिलोंग टू महार कास्ट। जब उसको मालूम चला कि तो महार कास्ट को बिलोंग करते तो उसको बड़ा ख़राब लगा, फिर तो वो उनके पास से हट गया, उनको इग्नोर करने लगा। बुलक कार्ट्स वालों को भी मालूम चला कि ये लोग बच्चे महार कास्ट के हैं, तो उन्होंने कहा चाहे कितने भी पैसे देंगे हम इन बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, अगर हम इन बच्चों को बिठाएंगे क्योंकि ये अनटचेबल कास्ट को बिलोंग करते हैं तो हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। अब छोटे छोटे बच्चे थे, वो रोने लगे, उनको दुख हुआ क्योंकि बुलक कार्ट्स वाले भी उनके साथ गलत बिहेव कर रहे थे। फिर लेकिन बाद में जो है स्टेशन मास्टर को उन पर तरस आ गया, किसी तरीके से उसने उनके फादर तक पहुंचाने के लिए अरेंजमेंट्स किए। लेकिन इतने छोटे बच्चों ने इतनी सी देर में बहुत सारी परेशानियां देखी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बच्चा उस समय छोटा था उसको लगा कि अनटचेबल कास्ट क्या होता, व्हाट डज इट मीन, क्या इस वजह से लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने बड़े होकर के समाज में जो इस तरीके की जो बैड एबल्स हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने की कोशिश, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ब्रिटिश रूल दलित्स वुमेन ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज। जब अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया हुआ था और हम लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उसी समय दलित्स वीमेन ट्राइबल्स किसान ये सारे के सारे लोग अपनी समानता के लिए भी ये लोग लड़ रहे थे। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया, एंट्री इनटू द टेम्पल्स। विमेन्स ने राइट टू एजुकेशन के लिए कि भाई हमको भी सभी के बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। पीजेंस और ट्राइबल्स थे, उन्होंने रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम मनी लैंडर्स, क्योंकि मनी लैंडर्स भी इन लोगों को पैसा तो उधार देते थे, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में ये जो बुराइयां फैली हुई थी, असमानता पर, असमानता की स्थिति थी, इस पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे, उनको मालूम था कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। एंड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, फ्रीडम टू फॉलो वंस रिलीजन, कोई भी किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, स्पीक देयर लैंग्वेज अपनी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र है, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, वो अपने त्यौहार मनाने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके की बहुत सी स्वतंत्रताएँ और समानताएँ हमारे संविधान के द्वारा भारत के लोगों को दी गई। कानून भी बना हमारे देश में, अनटचेबिलिटीज अबॉलिश, और उसके द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त कर दिया गया।
हालांकि बहुत सारी जगहों पर आज भी कुछ लोग इसको मानते हैं, लेकिन हमारे कानून के हिसाब से इसको ख़त्म कर दिया गया है और कानून बना कि कोई भी लोग कोई भी वर्क चूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो जिस कास्ट में जन्म ले रहा है उसे वही काम करना है। गवर्नमेंट जॉब्स वर ओपन टू ऑल पीपल, सरकारी नौकरियाँ भी सभी लोगों के लिए ओपन हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर का हो, उसे सरकारी नौकरी करने का अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे जब ये बात आई कि भारत में सभी धर्मों को माना जाएगा, तो इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बना, यानी कि एक सेकुलर कंट्री बना। सेकुलर कंट्री का मतलब हो गया वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है और हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है और ये चैप्टर भी जो हमने पढ़ा वो इसी सब बातों को उठाता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स देर इज़ समवेयर इनक्वालिटीज प्रेजेंट। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हमें हमेशा लड़ते रहना चाहिए और लड़ते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट क्लियरली स्टेट्स दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। संविधान का ये पहला प्रश्न है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। तो बच्चों, दैट्स ऑल योर चैप्टर। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।